दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही आदरणीय होते हैं। वे हमें जन्म देते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, हम पर अनगिनत उपकार करते हैं जिसका कर चुका पाना शायद संभव नहीं होता। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, उनके कदमों में स्वर्ग होता है। हमारे माता पिता भगवान के ही रूप होते हैं। लेकिन दोस्तों, कल मैं कहीं जा रहा था, उस रास्ते में मुझे एक वृद्धाश्रम दिखा। मैं वहां रुका और जो कुछ भी मैंने वहां देखा मुझे झकझोर के रख दिया। दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के खत्म होने तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। स्टूडेंट ने फर्स्ट इंटरव्यू पास कर लिया। फाइनल इंटरव्यू डायरेक्टर को लेना था। डायरेक्टर को ही तय करना था कि उसे जॉब पे रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने स्टूडेंट के रिज्यूमे देखा। पढ़ाई के साथ साथ वह लड़का एक्स्ट्रा करिकुलम में भी हमेशा फर्स्ट रहा है। डायरेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें स्टडी के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली? तो स्टूडेंट जवाब देता है, जी नहीं। फिर डायरेक्टर बोलता है, इसका मतलब स्कूल फीस तुम्हारे पिता पे करते थे? स्टूडेंट बोलता है, जी हाँ। डायरेक्टर बोलता है, तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं? स्टूडेंट बोला, जी वे लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ दिखाना। स्टूडेंट के हाथ बहुत ही मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर बोला, क्या तुमने कभी पिता के कपड़े धोने में मदद की? स्टूडेंट बोला, जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाह रहे थे कि मैं स्टडी करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ूं। एक बात और, मेरे पिता मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से कपड़े धोते हैं। फिर डायरेक्टर बोला, क्या मैं तुमसे एक काम कह सकता हूँ? स्टूडेंट बोला, जी कहिए। डायरेक्टर, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिता के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। वह लड़का ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब जॉब मिलना पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया। स्टूडेंट ने घर जाकर खुशी खुशी पिता को ये बात बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी अपने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथ में दे दिए। स्टूडेंट ने अपने पिता के हाथ धीरे धीरे धोना शुरू ही किया था कि उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। पिता के हाथ सख्त और जगह जगह से कटे और फटे हुए थे। यहाँ तक कि कटे के निशानों पर जब भी वह पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। स्टूडेंट को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक एक कमाई का। पिता के हाथ धोने के बाद स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि उसने एक साथ ही पिता के उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े एक एक कर धो डाले। पिता रुकते ही रह गए, लेकिन स्टूडेंट अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह स्टूडेंट फिर जॉब के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थी। डायरेक्टर बोलता है, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? स्टूडेंट बोला, जी हाँ, मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है, अपने क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं आ सकता था। पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है, और मैंने रिश्ते की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर बोला, यही सब कुछ है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं उसे जॉब देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कदर करे, ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ को महसूस करे, ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसा कमाने को ही अपना जीवन का गोल न बना रखा हो। कांग्रेचुलेशंस, तुम इस जॉब के पूरे हकदार हो। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने के पीछे एक कारण है। आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उन लोगों को, खासकर उन बेटों को जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते और बड़ी निर्दयता से अपने माँ बाप को त्याग देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। जो बाप अपनी कमाई का एक एक पाई अपने बच्चों पर लुटा देता है और एक बार भी नहीं सोचता। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिसने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, कदम कदम पर हमारी मदद की, और अब जब वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी आंखें धुंधली हो गई है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनका सहारा बने, उनकी मदद करें? इसके साथ ही मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने चिल्ड्रन को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दीजिए, लेकिन साथ ही कपड़ा धोने में कैसा लगता है अपने हाथों से फील होने दें। खाना खाने के बाद कभी बर्तन धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं।
आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों न हो, एक दिन उनके भी बाल सफेद होने ही हैं। और सबसे जरूरी है कि आप अपने बच्चे को किसी काम को करने की कोशिश की कदर करना सिखाएं, और वे एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का तिरस्कार करके कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।